उमेश कोल्हे यांची नुपूर शर्मा प्रकरणी निर्गुण हत्या झाल्याची माहिती मिळताच भाजपाचे नेते कपिल मिश्रा यांनी गुरुवारी त्यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन कुटुंबाची सांत्वना केली. त्यांच्यासोबत आमदार पोटेसह अनेक भाजपा पदाधिकारी उपस्थित होते. या प्रकरणात मिश्रा यांनी पोलीस प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्न निर्माण करून आपल्या प्रतिक्रिया आमच्या सिटीजन्सकडे व्यक्त केल्यात. कपिल मिश्रा यांनी कोल्हे कुटुंबियांना 30 लाखाची मदतही केली आहे. उमेश कोल्हे यांच्या हत्या झाल्याची माहिती मिळताच भाजपाचे नेते कपिल मिश्रा यांनी गुरुवारी त्यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन कुटुंबियांची सांत्वना केली. इसमें सर दो है, एक डॉक्टर राजीव है, एक जयराम है. सामने उन्होंने वीडियो बनाकर माफी मांगी. धमकी हो जाए ना, वीडियो बनाओ उमेश कोल्हे जी के परिवार से मिला हूँ. मेरे साथ हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ पर आए हैं. हमारे साथ शैलेश जी, शिवराय जी, दिनेश जी, तुषार जी, ऐसे बहुत सारे समाज के स्वामी महाराज जी, समाज के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पर आए हैं परिवार से मिलने के लिए. अभी शैलेश जी की धर्मपत्नी जी से, उनके बेटे से, बहू से, भाइयों से, उनसे मुलाकात की है मैंने. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरा भारत और भारत के और दुनिया में रहने वाले सभी जो हिंदू समाज है, वो शैलेश जी का, उनके परिवार का, उमेश जी का, उनके परिवार का ऋणी है. हम लोग कर्जदार हैं उमेश कोल्हे जी के परिवार के, उमेश कोल्हे जी के बलिदान के. तो जो भी हम मदद कर रहे हैं, ये हम एक तरह से अपना ऋण का थोड़ा सा हिस्सा वापस देने की कोशिश कर रहे हैं. धर्म के लिए ये बलिदान हुआ है, समाज के लिए ये बलिदान हुआ है, और इस प्रकार से देश में जगह जगह पर चुन चुन के लोगों की हत्या की जा रही है. अभी मैं उदयपुर होकर आया, कन्हैया लाल जी के परिवार से भी मिलके आया हूँ. एक चीज़ जो मैंने देखी, संकेत जो उनके पुत्र हैं उनसे मेरी बात हुई, अभी उनकी धर्मपत्नी जी से मेरी बात हुई, हम ऐसे वीर केवल दुनिया में विरले होते हैं, ऐसे वीर और साहसिक परिवार. तो मैं नमन करता हूँ पुनः उनकी धर्मपत्नी को, उनके बेटे को, बहू को, सबको नमन करता हूँ. हम लोगों ने 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को दी है. वो परिवार के बैंक खाते में मेरे आने से आधा घंटा पहले आ चुका है उनके खाते में वो 30 लाख रुपए. जाने के बाद और भी लोगों से मैं अपील करूंगा कि परिवार की सहायता करें, कोशिश करेंगे कि और सहायता परिवार के पास आए. पोलिसांची जबाबदारी ही नागरिकांचे संरक्षण करणे आहे. मात्र अमरावतीत पोलीस आयुक्त या राजकीय दबावात काम करीत होत्या. खरे तर अमरावतीत 12 आणि 13 नोव्हेंबरला जो काही प्रकार घडल्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी अमरावती शहरात दडलेल्या अशा दहशतवाद्यांचे पाणी मुळे उपटली असली तर आज कदाचित उमेश कोल्हे यांचे प्राण वाचले असते, असे भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांनी म्हटले आहे. अमरावती को लेकर एक खास बात है कि ऐसा लग रहा है कि अमरावती को एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड बनाया जा रहा है जिहादियों के द्वारा, इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा कोई यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है. ये प्रयोग अभी अचानक नहीं हुआ उमेश कोल्हे जी के मामले में, ये 12 नवंबर को
जो इधर हुआ घटनाक्रम, रजा अकेडमी के नाम पे जो कार्यक्रम हुआ, जिस प्रकार का आतंक यहाँ पे गलियों में, सड़कों में, शहरों में, बाजारों में फैलाने का कोशिश किया गया, अगर उस वक्त अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा होता तो शायद उमेश कोले जी हमारे बीच में जीवित होते। लेकिन ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कमिश्नर साहब है, यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, कभी अपने दिल में भी झांक के देखना, अपनी अंतरात्मा में भी झांक के देखना, सरकारें आएगी जाएंगी बदलेंगी, लेकिन आप अगर आतंक को छुपाओगे, दहशत को छुपाओगे, टेररिज्म को छुपाओगे, तो उसका कीमत ऐसे बेगुना लोगों को चुकाना पड़ेगा। तो देश में भी सभी पुलिस अधिकारियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारों के दबाव में आतंकवादियों को बचाने का काम मत करो। अमरावती ये सबक है, इधर पुलिस एक तरह से बिछ गई थी सरकार के दबाव में आतंकवादियों के सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए। उमेश कोले जी के परिवार को पुनः नमन करता हूँ। एक बार फिर से ये कहता हूँ कि ऐसे किसी भी परिवार को ना कमजोर पड़ने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। और भी लोगों को धमकियां मिल रही हैं देश में, अमरावती में धमकियां मिल रही है और लोगों को उदयपुर में धमकी मिल रही, मेरे को भी कुछ लोगों ने धमकी भेजने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो एजेंडा है दहशत का, ये एजेंडा भारत की भूमि में कभी नहीं चल सकता। इस देश में जब जब भी आतंक जिहाद आया है, पराजित होकर गया है। उमेश कोले जी जैसे बलिदान के बाद परिवार का साहस, समाज का साहस और समाज की एकता ने हमेशा जिहाद को हराया है, एक बार फिर से हराकर ही वापस भेजेंगे, ये निश्चित है। सर मुझे बोलिए कि देखिए, नहीं पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, वरना NIA की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस अपना काम अब शायद करे, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद पुलिस काम करे, ये तो पुलिस का धर्म नहीं है। तो मैं तो अमरावती के पुलिस के ऊपर तो सवाल है, और हम ये उम्मीद करेंगे देश में बाकी जगह की पुलिस ऐसा नहीं करे जो अमरावती की पुलिस ने किया। सरकार नहीं बदलती तो शायद ये कभी सत्य सामने ही नहीं आ पाता। देशातील सर्वच पोलीस अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय दबावात काम न करता प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडावे, असे देखील कपिल मिश्रा म्हणालेत। नुपूर शर्माच्या समर्थनार्थ पोस्ट शेअर केल्यामुळे अमरावतीत उमेश कोल्हे यांची हत्या झाली। अशा स्वरूपाची घटना राजस्थानमध्ये उदयपूर येथे टेलर कन्हैयालाल यांची देखील हत्या करण्यात आली। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि देश में एक ऐसा समाज, एक ऐसा वर्ग जो कि सुबह से लेकर रात तक इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ऐसा एक एजेंडा चला रहा है जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकार और देश के बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इनका जो 24 घंटे का ये झूठा एजेंडा है, वो पत्रकार, वो नेता ऐसी सभी हत्याओं के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। वो झूठे एजेंडे के माध्यम से इस प्रकार का टेरर रिक्रूटमेंट, ISIS का रिक्रूटमेंट भारत में हो, अलकायदा का रिक्रूटमेंट भारत में हो, ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद ये जिहादी हत्याएं हो रही हैं। मारने वाला तो कठपुतली है, लेकिन पीछे जो बैठा है वो नेता बैठा है, और वो पत्रकार बैठा है, वो वकील बैठा है, जो कि रोज सुबह से लेकर रात तक इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में का ये जो एजेंडा देश में चलाया जा रहा है, वो सब नेताओं के नाम आप सबको मालूम है, वो पत्रकारों के नाम आप सबको मालूम है। उमेश कोले जी, कन्हैया लाल जी, इन सब के खून से इन नेताओं का हाथ रंगा हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। देशात जिहादी संघटना एका व्यक्तीची हत्या करून लाखो हिंदूंना घाबरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, मात्र आम्ही प्रत्येक हिंदू कुटुंबियांच्या मागे ताकदीने उभे आहोत। कन्हैयालाल आणि उमेश कोल्हे यांच्या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी हिंदू बांधवांना मदतीसाठी आव्हान करताच अवघ्या 24 तासात आमच्याकडे 1,30,00,000 रुपये जमा झालेत। उदयपूर येथील कन्हैयालाल यांची हत्या केल्याने कपिल मिश्रा उदयपूरला जाऊन कन्हैयालाल यांच्या कुटुंबियांना त्यांनी 1,00,00,000 रुपये दिलेत। गुरुवारी अमरावतीत उमेश कोल्हे यांच्या मुलाच्या बँक खात्यात कपिल मिश्रा येण्याआधीच मिश्रा यांनी अर्धा तासपूर्वीच 30,00,000 रुपये जमा केलेत। कोल्हे कुटुंबियांना या प्रकरणात न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी पूर्णतः मदत आम्ही करू, असे देखील कपिल मिश्रा यांनी स्पष्ट केलेत। कानूनी मदद देश में कोई भी वकील की आवश्यकता पड़ेगी, जांच के लिए, न्याय के लिए, हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। एक संकल्प हम लोगों ने लिया है कि जिहादी हिंसा से पीड़ित किसी भी हिंदू के परिवार को ना कमजोर पड़ने देंगे और ना अकेला पड़ने देंगे, क्योंकि उनका एजेंडा केवल एक है, दहशत फैलाना, आतंक फैलाना। एक को मारो और 1,00,000 को डराओ,
तो छल से, झूठ से, धोखे से वो मार तो सकते हैं लेकिन डरा नहीं सकते, डरेंगे नहीं, ना डरा सकते और ना हरा सकते। तो ये संकल्प लेके हम लोग पूरे देश में, कहीं भी ऐसा कोई पीड़ित परिवार होगा उसके साथ सारे दुनिया का हिंदू समाज खड़ा हुआ है, ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं उन सबको जो आतंक फैला रहे हैं। PFI सारखी संघटना अमरावतीत असणे ही अतिशय धक्कादायक बाब आहे। ही संघटना समितीतूनच उत्पन्न झाली आहे। PFI सह देशात अस्तित्वात असणाऱ्या या जिहादी संघटनांना उद्ध्वस्त करण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे आणि तसे प्रयत्न देखील आहेत। देशातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांनी अशा संघटनांविरोधात धडक मोहीम राबवायला हवी। अमरावतीच्या पोलीस आयुक्तांनी 12 आणि 13 नोव्हेंबरला झालेल्या दंगलीनंतर शहरात अशा दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई मोहीम हाती घ्यायला हवीच होती असे देखील कपिल मिश्रा म्हणालेत। अभी महाराष्ट्र में रजा अकेडमी के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। PFI, रजा अकेडमी और इनके पीछे चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद जो बाद में आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए खड़ा होती है, ये सबका भूमिका जांच के लायक है, संदिग्ध भूमिका है। और मुझे लगता है कि सिम्मी की नजायज औलाद का नाम है PFI। PFI कोई ऐसे अचानक हवा में पैदा नहीं हुआ, सिम्मी की नजायज औलाद उसका नाम ही PFI है। और समय आ गया है देश में PFI के पीछे जो लोग खड़े हैं वो जेल के भीतर जाने चाहिए। सर बैन होना चाहिए इसके लिए, डेफिनेटली बैन होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के सबूत सामने आ रहे हैं सिमी की तरह ही हश होगा PFI का। सर